दो माह पूर्व हुए हत्याकांड का खुलासा कराने पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम सीएम के नाम सौंपा गया। पर नगर के लोगों में आक्रोश। खबर शिवपुरी जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र से है। जब 2 माह पूर्व दिन दहाड़े हत्या एवं लूट के आरोपियों को पकड़ने एवं लूट का खुलासा कराने को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं सहित नगर के जागरूक लोगों ने सीएम के नाम तहसीलदार बैराड़ को ज्ञापन सौंपा है। इस हत्याकांड को लेकर पुलिस प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम देकर आरोपियों को पकड़कर कार्यवाही की मांग की है। दरअसल बीते 10 अक्टूबर 2023 को चाइना पत्नी अजय शर्मा की अज्ञात आरोपियों ने घर में घुसकर लूटपाट कर गला दबाकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को उठाया भी, परंतु उसके बाद संदेहियों को छोड़ दिया। इसी को लेकर महिला के पति के साथ परिजन और नगर के लोग दोपहर 2 बजे तहसील पर पहुंचे और आरोपियों को पकड़ने की मांग की है। ज्ञापन में उल्लेख है कि दिन दहाड़े एक महिला के साथ घर में घुसकर लूटपाट और उसके बाद दिल दहला देने वाले तरीके से उसकी हत्या के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। जब पुलिस ने इस मामले में मदद की गुहार लगाई तो पुलिस ने भी महज चुनाव होने का हवाला देते हुए कार्यवाही का आश्वासन दिया। यही कि अब तो चुनाव भी खत्म हो गए हैं और दिन दहाड़े एक महिला की लूट के बाद हत्या का मामला अब पूरी तरह से दबा दिया गया है, जिससे पूरे समाज में रोष व्याप्त है। इसलिए अब पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम देकर बेरहमी से किए गए हत्याकांड का खुलासा करने की मांग की है, अन्यथा बाजार बंद कर थाने के सामने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। ज्ञापन में चाइना के पति अजय शर्मा के साथ नगर के गणमान्य और जागरूक लोगों सहित विश्व हिंदू परिषद के जिला पदाधिकारियों सहित नगर के आधा सैकड़ा के संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज यहाँ पर आप सब लोग इकट्ठे हुए हो, कुछ हिंदू संगठन हो, ब्राह्मण समाज और सातों समाज के जो लोग इकट्ठे हुए हो तहसील पे, किस कारण से हुए हो, क्या कारण है? मेरी पत्नी का वो हत्याकांड 10 तारीख को हुआ था, उसका खुलासा अभी तक पुलिस 2-2.5 महीने हो चुके हैं, अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। और इस कारण हम 2 SP साहब को, SDOP साहब को, थाने को हम 3 बार मतलब एक आवेदन दे चुके हैं, फिर भी कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। और आज हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को आवेदन देने के, तहसीलदार साहब को। पुलिस क्या कहती है? पुलिस पहले तो क्या कहते हैं उसका बहाना बना रही थी कि चुनाव है, आचार संहिता लगी है और अब आज चुनाव भी खत्म हो गया है, उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तो अब आपका आगे का आगे क्या करने वाले हो, क्या रूप देगा का वो एस्टीमेट दे रहे हैं? अल्टीमेट दे रहे हैं, अगर सुनती है तो ठीक है, नहीं तो अपन धरना प्रदर्शन कर अपन इधर बात कर रहे हो। इसमें क्या क्या मान है, क्या बिंदु है? ये पिछले 10 तारीख को अजय भाई साहब की पत्नी चाइना शर्मा की जो हत्या हुई है, बड़ी निर्दयी हत्या हुई है। और अगर हमारी बहन बेटियों के इस तरह से अगर ऐसे ही अगर एक रथ चलते रहे तो ये भारत के हिंदुओं का फिर होने वाला क्या है? हम विश्व हिंदू परिषद से, विश्व हिंदू परिषद का जिलाध्यक्ष के नाते मैं सभी समाज से आह्वान करता हूँ कि ऐसे अगर कृत्य होते रहे तो फिर हम लोगों को एकजुट होकर के ये सब काम करने ही चाहिए कि अपन देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री को हम दिखाना चाहते हैं कि पिछले 2.5 महीने के अंदर अभी तक कोई मामला हमारा ट्रेस नहीं हुआ है, कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया है। ऐसे अच्छे लोगों के लिए, अच्छे लोगों के साथ अगर ऐसे ही कृत्य होते रहे तो मैं समझता हूँ कि जी आतताई शक्तियाँ तो फिर प्राप्ती रहेंगी। ऐसे लोग कृत्य करते रहेंगे, ये लूटपाट की योजना बनाते रहेंगे, हमारी बहन बेटियों को ऐसे ही मारते रहेंगे। तो हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहते हैं कि 2.5 महीने हो गए हैं और 2.5 महीने में आज तक इसका कोई सुराग नहीं मिला है, तो हम पुलिस प्रशासन से भी यही मांग करते हैं कि वो तैयारी करें अपनी और कैसे भी करके इस मर्डर को, जो निर्मम हत्या की गई है चाइना शर्मा की, उसको ट्रेस करें, अतिशीघ्र ट्रेस करें, क्योंकि परिवार पूरा शोकाकुल है और परिवार की स्थिति बहुत ख़राब हो रही है आज की स्थिति में। क्योंकि घर में से कोई व्यक्ति जब हमारे परिवार से जब बिछड़ता है तो स्वाभाविक सा है कि इतना कष्ट है कि वो 2.5 महीने के अंदर ही अगर मान लो कोई पता नहीं लगा पाए, कोई सुराग नहीं लग पाए, तो लोगों को उठा उठा के ला रहे हैं और ये ट्रेस मामला नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इसमें अपनी कमजोरी दिखा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करूंगा, विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष के साथ में मुख्य बिंदु क्या क्या मांग रखते हैं आपने? मुख्य बिंदु ये है कि हमारे पहले तो आरोपी पकड़े जाएं, हमारा मेन उद्देश्य है कि आज तक आरोपी पकड़े में नहीं आएंगे तो बाकी मांगे तो बाद की रहेंगी। वो जब आरोपी ट्रेस नहीं हो पाएगा तो किससे मांग करोगे आप, क्या प्रशासन से मांग करेंगे हम लोग? तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन यही करेंगे, हमने उसको ज्ञापन में लिखा हुआ है कि आप थोड़ा सा ध्यान देकर, हाँ ये मामला जो इसमें जो बेचते हैं या ये लेते हैं उनसे ज़्यादा संबंधित मामला है, इसको ट्रेस करें, अतिशीघ्र ट्रेस करें। नहीं तो अगर ये मामला ट्रेस नहीं होता है, हम 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर 3 दिन का नहीं होता है तो हम उग्र प्रदर्शन करके इस बैराल के अंदर हम धरना प्रदर्शन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे, पूरे समाज को इकट्ठा करेंगे, सारे हमारे संस्कृति के जो लोग हैं उन सबको इकट्ठा करके फिर आंदोलन करेंगे हम लोग। माननीय मुख्यमंत्री से यही निवेदन है मेरा तो, और मैं विश्व हिंदू परिषद की मेरी पूरी टीम मेरे साथ में है, उस टीम के माध्यम से
माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि वो इस मामले को अतिशीघ्र ट्रेस करवाएं, पुलिस प्रशासन पर अपना प्रेशर बनाएं और उनको बोलें कि ये बैराड़ का मामला अतिशीघ्र ट्रेस होना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा।